तो फ्रेंड जब से व्हाट्सएप को फेसबुक ने हायर कर लिया तब से ही व्हाट्सएप काफी ज्यादा अपडेट्स ला रहा है और काफी तगड़े तगड़े फीचर्स ला रहा है। और 2021 में व्हाट्सएप पे काफी ज्यादा ऐसे अपडेट्स आ चुके हैं जो कि काफी ज्यादा धमाकेदार है और काफी ज्यादा यूजफुल है। तो आज के इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ चार ऐसे अपडेट्स के बारे में जो कि काफी ज्यादा तगड़े हैं और काफी नए हैं। और इनमें से कुछ अपडेट्स हो सकता है कि आपको पता होगा, बट जो न्यू अपडेट्स हैं ना वो आपको बिल्कुल भी पता नहीं होगा और आपको जाना बहुत जरूरी है। अगर आप इन अपडेट्स को देख लेते हो तो आप व्हाट्सएप पे एक प्रो लेवल के यूजर बन जाओगे। तो फटाफट से वीडियो को करते हैं स्टार्ट। उससे पहले अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हो और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करना, साथ ही इस वीडियो को सभी व्हाट्सएप यूजर के साथ शेयर करना। तो चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट अपडेट की, जो है व्हाट्सएप पे सेंड म्यूट वीडियो। आप व्हाट्सएप पे जो है आप म्यूट वीडियो भी सेंड कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि हमारा वीडियो जो होता है काफी ज्यादा उसमें नॉइस होता है, बैकग्राउंड नॉइस, और हमें सिर्फ वो होता है वीडियो भेजना होता है, यानी कि जो डिस्प्ले में चल रहा है सिर्फ हमें वीट भेजना होता है। तो वहाँ पे आप जो है उस वीडियो को म्यूट भी करके भेज सकते हो, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको यहाँ पे वॉल्यूम जहाँ पे बटन दिख रहा है वहाँ पे आपको क्लिक करके उसे म्यूट करके सेंड कर देना है। ये छोटा फीचर है बट काफ़ी ज़्यादा किन्हीं लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है। अब बात करूँ मैं सेकेंड अपडेट की, वे है वॉइस मैसेज प्लेबैक स्पीड। अगर आप WhatsApp यूज़ करते हो तो आपके भी WhatsApp पे काफ़ी ज़्यादा ऑडियो मैसेजेस वगैरह आते होंगे। तो पहले WhatsApp में ये फीचर नहीं था कि आप WhatsApp पे ऑडियो को स्पीड में भी सुन सकते हो, बट अभी क्या हो गया है WhatsApp पे अगर आप एक बार क्लिक करते हो तो वहाँ पे 1x, अगर आप दूसरी बार क्लिक करते हो तो 1.5x और तीसरी बार करते हो तो 2x, यानी कि वहाँ पे जो ऑडियो है वहाँ पे आप उसकी स्पीड को बढ़ा सकते हो और यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है। अगर आप 5 सेकंड का ऑडियो है तो उसे आप 2.5 सेकंड में, 6 सेकंड का ऑडियो है तो आप जो है 3 सेकंड में सुन के कंप्लीट कर सकते हो, काम निपटा सकते हो, टाइम अपना काफ़ी ज़्यादा बचा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि टाइम इज मनी और टाइम आपको बच जाता है तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आपकी बचती है। अब बात करते हैं अपने थर्ड अपडेट की, व्हाट्सएप कॉल लेआउट डिज़ाइन। अगर आप WhatsApp पे कॉल करते हो या फिर किसी को वीडियो कॉल करते हो तो आपके सामने अभी कुछ यू आइकन बन के आएगा, बट पहले यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पे आपको बीच में रेड कलर का आइकन आता था, रेड कलर से याद आया कि यहाँ पे आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया रेड को दबा के जल्दी से ग्रे करो और बेल आइकन को भी दबा दो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। अब फ्रेंड्स अपडेट के बाद आया क्या, अगर आप किसी को कॉल करते हो या फिर वीडियो कॉल करते हो तो आपका सारा जो भी ऑप्शन है वे बॉटम साइड में आ जाएगा, जहाँ पे आपको ऐड पार्टिसिपेंट का ऑप्शन मिल जाएगा और भी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ से आपको व्हाट्सएप जो यूजिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो जाता है, क्योंकि आज के ज़माने में सारे चीज़ काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो चुके हैं और सारे चीज़ को जो है काफ़ी ज़्यादा पोर्टेबल बनाया जा रहा है। तो ये इसलिए व्हाट्सएप देखिए ताकि आप एक हाथ से पकड़ के जो सारी चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करता हूँ चौथे और लास्ट अपडेट की, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा तगड़ा लगा, जो कि व्यू वंस। अगर आप किसी को भी फोटो वगैरह सेंड करते हो, अगर आप चाहते हो कि वे सिर्फ एक बार ही देखे और वो फोटो खुद बखुद उसके फ़ोन से डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, डिलीट हो जाए, तो आपको कुछ करना नहीं है, व्हाट्सएप को एक बार अपडेट कर लेना है और आप जब भी किसी भी फोटो को सेंड करते हो वहाँ पे सेलेक्ट करना है और वहाँ पे आपको वन का ऑप्शन दिखेगा व्यू वंस का, उसको सेलेक्ट करके आपको सेंड कर देना है। इससे ये होगा कि सामने वाला जब भी वो फोटो को खोलेगा तो सिर्फ वो एक बार देख पाएगा, जैसे बैक होगा वो फोटो खुद ब खुद एक्सपायर हो जाएगा, वहाँ पे एक्सपायर का ऑप्शन आ जाएगा और वो फोटो कभी भी फिर से वो नहीं खोल पाएगा। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं ये वाला जो व्यू वंस का ऑप्शन है सिर्फ ये जो ऑफिशियल व्हाट्सएप है उसी पे भी लगेगा। अगर आप यहाँ से ऑफिशियल व्हाट्सएप से यो व्हाट्सएप, जीबी व्हाट्सएप या फिर किसी भी दूसरे व्हाट्सएप से व्हाट्सएप बिजनेस से भेजते तो वहाँ पे आपका ये ट्रिक वर्क नहीं करेगा, ये अपडेट वर्क नहीं करेगा, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन में भी देख पा रहे होंगे। और फ्रेंड्स ऐसे ही अपडेट काफ़ी ज़्यादा आने अभी बाकी है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा बीटा वर्जन में है, तो जब भी ऐसा कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करने की कोशिश करूँगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और वीडियो पसंद तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।